सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हंसते जिंदा है, वरना यू समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हौसलों की जरूरत होती है, जो खुद के आत्मविश्वास से आता है। अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से दूसरों को अच्छा बनाने के बजाय खुद अच्छा बनना शुरू कर लीजिए। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2020, दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 12:16 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:25 से 8:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:39 से 12:28 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर शाम 5:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 6 अप्रैल 2020, दिन सोमवार, किसी एकांत का मजा लें। इससे आपके आध्यात्मिक भावना पूरी होगी और आप शांति से घर में रहेंगे। माता पिता कानूनी मामलों में आपकी सहायता करेंगे। आप अभी खुद को खुशकिस्मत महसूस करेंगे, लेकिन आपका हर काम सही से पूरा हो रहा है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज अचानक दिनचर्या परिवर्तन या निमंत्रण की संभावना है। घरेलू मुद्दे भी चिंता का विषय हो सकते हैं, किंतु परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने विचारों और चिंताओं से इतना ना घबराएं कि आप आने वाली जीत और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। आप घर गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो उसमें आपके माता पिता का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है तथा माता पिता से संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। यह काम आपका भविष्य में जरूर पूरा होगा। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सकती है। आज के दिन आपके लिए अपनी योजनाओं पर दुगनी शक्ति लगाकर काम करने का है। अगर आप थोड़ी सी टाल मटोल करेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आज मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा बनी रहेगी। इसे उचित दिशा में लगाएं तो सफलता मिलेगी। सावधानियां, आर्थिक स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से धन लाभ प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है या किसी तरह समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गुरु का गोचर सही से नहीं है। आर्थिक रूप से स्थितियां प्रतिकूल होने की संभावना बन रही है। लव लाइफ की बात करें तो आसपास की हवाओं में रोमांस है। यह दिन आपके सबसे अच्छे दिनों में से एक है। अनावश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर ना छोड़ें। इसके लिए आप उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है। इससे आपको भी फायदा होगा। करियर की बात करें तो आपके बड़े अधिकारी या ट्रेनर आपको आपके गुणों को पहचानते हैं और जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जिनकी अधिक महत्वाकांक्षा उतनी ही अधिक प्रतिस्पर्धा की भावना, उतनी ही अधिक ईर्ष्या घृणा द्वेष तथा हिंसा की भावना, इनसे बचने की कोशिश करें। आज किसी बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी परेशानी से सामना भी हो सकता है, जिसे आप हल भी करेंगे। सेहत की बात करें तो
आज आप सेहत से संबंधित तरह तरह की थेरेपी की खोज करेंगे और नए रास्ते खोजेंगे जिससे आप अपनी पुरानी बीमारी का इलाज कर सकें। आप हर तरह की दवाइयां भी अपनाएंगी, जैसे कि आयुर्वेदिक। ध्यान रहे, जो भी इलाज आप सुने वह पढ़े लिखे चिकित्सक से ही कराएं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को खाने की चीजों का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।